जुड़े भाई लोगों को नमस्कार। इस फिल्म में जैसे कि पहले ही आपने प्रिंस जी ने बताया आपको कि हम लोग इनके लिए जो है एक छोटे भाई और बड़े भाई के तमाम के रिश्ते हैं, और हम लोगों ने ये भोजपुरी समाज जो है आज के डेट में हर आदमी अपने समाज के लिए जुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ करना चाहता है, तो हम अपने समाज भोजपुरी समाज के लिए पिक्चर बनाना चाह रहे थे और हमने इसे शुरुआत किया और आपके साथ में किया। और जो ये फिल्म है, फिल्म के अकॉर्डिंग जो करेक्टर है उस करेक्टर के लिए जो है इनसे कोई बेहतर आदमी या बेहतर कलाकार था ही नहीं और ना है, और ऊपर वाले से हमारी यही दुआ है कि आने वाले दिनों में ये जो है भोजपुरी इसमें फिल्म इंडस्ट्री में बाहुबलिया क्या मिलते हैं बाहुबली के नाम से जाने जाते भी हैं और जाने जाएंगे भी जो है, तो हमारी तमन्नाएँ हैं कि और आगे और फिर जो है जैसे ये शुरुआत होगी कुछ आगे बढ़ेगी फिर हम लोग और फिल्म बनाने जा रहे हैं इसी लगातार लेकर के, ये कंटिन्यूस चलने वाला अब रुकने वाला नहीं है। और अब तक का रिकॉर्ड है हमारा कि हमने जो भी काम किया है वो नंबर वन पे किया है, और चाहेंगे कि ये भी फिल्म भी एक नंबर पे रहेगी। इसीलिए इस फिल्म में जो है जो भी लिया गया जो है जैसे कि जो टॉप क्लास के लोग हैं आज के डेट में सुजीत जी का नाम है, वीरू ठाकुर जी का नाम है, ओम जी का नाम है, कैमरा जो भी, तो जो भी एक टीम है वो नंबर एक का लिया गया और एक नंबर का लेकर के जो है, और कोशिश यही रहेगी फिल्म भी वैसे ही बने और ऐसे ही जा करके हिट, और आगे जो भी फिल्में आएंगी जो अच्छी जो टीम होगी भोजपुरी समाज की इंग्लिश में हिंदी में जो भी लेगी वही लोगों को लेकर के काम हम लोग करेंगे। तो प्रिंस भाई जी एक्साइटेड हैं, शूटिंग शुरू हो रही है जी, बहुत ज़्यादा भी है, बहुत ज़्यादा है जी, लग रहा है कि मैं पहली फिल्म करने जा रहा हूँ, इससे एक्साइटेड है। अच्छा सुजीत जी, वीरू ठाकुर, सुजीत कुमार सिंह, पवन सिंह, ये सारे नाम जब एक लाइन में आते हैं तो समझ जाते हैं कि फिल्म कुछ अच्छी बनेगी, लेकिन इस बार एक नाम मिसिंग है, पवन सिंह नहीं प्रिंस है उसमें। देखिए कोशिश तो हमारी है कि मतलब फिल्म उस लेवल की बने, वो भी प्रिंस है पास है, ये भी वो भी पवन जी है पास, ये भी पीछे प्रिंस है, तो फिल्म बनने के बाद मुझे मतलब पूरा भरोसा है कि फिल्म अच्छी बनेगी, और म्यूजिकली एक्शन वाइज हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से कम जोड़ना, बाकी जनता जनार्दन। हाँ एक बात तो वीरू ठाकुर से पूछ लेते हैं, ठाकुर कैसे हैं? बढ़िया हूँ सर, आप लोग? ठाकुर ऐसा हो रहा है कि फिल्म में पवन सिंह नहीं है, राइटर आप ही हैं, पवन सिंह नहीं है, प्रिंस जी हैं जी, जी। कहानी प्रिंस को ध्यान में रख के लिखी गई या फिर कहानी के लिए प्रिंस फिट बैठ गए? नहीं कहानी इनको ध्यान में रख के लिखा गया। अच्छा जी। प्रिंस को ध्यान में ही रख के लिखा गया है। आपके बारे में कहा जाता है कि पवन सिंह के बारे में लिखने में आप ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, बाकी आर्टिस्ट के बारे में शायद ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है सर, आर्टिस्ट जो भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर डिपेंड करता है, वो अगर हमको अनुबंधित करते हैं तो काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता सर। अच्छा ये बताइए, मैं ये सवाल अक्सर पूछ रहा था, आप राइटर हैं आप बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे, ये सनी देओल साहब वाली जो नरसिम्हा, हाँ उससे एकदम विपरीत है, एकदम विपरीत है, अलग होगा, कथा भी उससे डिफरेंट होगा, है ना, प्रेजेंटेशन भी डिफरेंट होगा, उसका कोई भी जिस्सर आपको इस फिल्म में देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा खाली नाम हो? नाम ओनली। आप जो लुक है प्रिंस का, बेसिकली माथे पे टीका लगा हुआ है, गले में नुतरा, कैसा लगता है जैसे कोई पुजारी है, क्या वो रोल को डिफाइन कर रहा है? नॉर्मल लाइफ में भी इंसान ना हर तरह का रोल प्ले करता है। अच्छा अब 2 घंटा रोज पूजा भी करते होंगे, उसके बाद ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस के बन के जाते हैं, तो वही इसमें भी है, एक बंदा है पापा के साथ कहानी होगी। अच्छा लेकिन हम लोग कौन सिंह की तरह एक्शन नहीं करते, रिशुम रिशुम नहीं करते हैं। कौन? हम लोग। अच्छा हम पूजा करते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं। पवन जी रियल लाइफ में नहीं करते होंगे, हमको लगता है स्क्रीन लाइफ पे करते होंगे। अच्छा मतलब एक्शन फिल्म जो है, बेसिकली एक्शन ड्रामा कितना होगा फिल्म में? एक्शन ड्रामा फिल्म ही है, क्या बोलते हैं उसको, गैंगस्टर के लाइफ को। बस आप लोगों से बात चाहिए, बात चाहिए, आज हम लोग एक विचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सलमान जी कैसे हैं आप? जी एकदम फर्स्ट क्लास, कमाल करते हैं आप लोग, स्वागत नहीं करेंगे? बिल्कुल स्वागत कीजिए, हमारे दोस्त हैं मिस्टर प्रिंस, जिनकी ये फिल्म है नरसिम्हा, और मैं इसके मुहूर्त पर आ गया हूँ, मुझे भी इनविटेशन मिला तो मैं सोचा चलो यार फिल्म का मुहूर्त है तो वहाँ जाना चाहिए, हमारे दोस्तों की फिल्म बन रही है, और हमारे इसके प्रोड्यूसर हैं खान साहब, सलाम वालेकुम साहब, और मिस्टर यादव जी जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, और हमारे भाई प्रिंस तो यार माशाल्लाह ऐसे एकदम हट्टे कट्टे तगड़े हैं, और मैं सुन रहा हूँ कि फिल्म एक्शन मूवी है, आजकल एक्शन मूवी फिल्म में लोग बहुत देखते हैं,
क्योंकि अब रोमांस में इतना वो दम नहीं रहता, क्योंकि वो होते नहीं आजकल। लोग जाते हैं दिल घर पे रख के सिर्फ दिलो जान से देखने के लिए। तो इस फिल्म को मैं चाहूँगा कि इस फिल्म को बनाएं ऐसा कि लोग दिलो जान से जाएं और अपने घर परिवार को लेकर जाएं और फिल्म देखें। भाईजान वाले स्टाइल में शुभकामनाएं नहीं दी आपने? हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं इस फिल्म के लिए, और ये फिल्म इतनी बड़ी सुपर हिट हो कि लोग देखें और देखते रह जाएं, साथ साथ, एक साथ और सबके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और हमारी वीडियोस मिस ना करने के लिए दबाइए इस बेल आइकन को।